सेनेटर साहब, ये बलूचिस्तान में उसका नाम है ना, सेनेटर साहब आपको मेरी आवाज आ रही है, बलूचिस्तान में अनवारुल हक काकर साहब सामने आए हैं, अहमद खान साहब आए हैं, यूसुफ काकर आपकी अपनी जमात के दो लोग सामने आए हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? और फर्दर ट्रेजरी बेंचेस में बैठने का इरादा है, ऑपोजिशन बेंचेस में बैठने का इरादा है, किस बात पर, किस कंडीशन पर यह चीज मुनहसर होगी? मैडम देखे ना, अल्लाह के फजल से आज बलूचिस्तान असेंबली के अंदर जो बलूचिस्तान का सेनेट हुआ है। हेलो जी, जी मुझे आवाज आ रही है डॉक्टर साहब आपकी। नहीं मैडम, आवाज आप अपना क्वेश्चन रिपीट करें, आवाज सही नहीं आ रही। मैं ये जानना चाह रही थी सेनेटर साहब कि आपकी अपनी जमात के भी दो लोग जो हैं वो जीत कर सामने आए हैं, अब क्या होगा जब ट्रेजरी बेंचेस में बैठेंगे, ऑपोजिशन बेंचेस में बैठेंगे, किस कंडीशन पर यह बात मुनहसर होगी कि आप ट्रेजरी बेंचेस पर बैठे? मैडम ये तो 10 तारीख को 11 तारीख को ही होगा डेफिनेटली कि किस पार्टी के कितने होते हैं, क्योंकि हम नेशनल पार्टी अभी तक तो हम नेशनल नून लीग के अलायंस ही है। सही, अब वहां देखेंगे कि क्या सिचुएशन है क्या नहीं है, तो उसी के मुताबिक ही जो हमारी पार्टी क्या फैसला करेगी उसी के मुताबिक ही हम जाएंगे। सही।